तुम्हारा सोलह सिंगार कभी नहीं खत्म होना। तुम इस तरह से तैयारियां करियो जैसे आज तुम्हारी रुखसती है, आज तुमने दुल्हन बनना है, हैं? आप ही, आपको क्या लगता है सोलह सिंगार सिर्फ रुखसती के लिए किया जाता है? मैं तो कहती हूँ कि आप मुझसे कुछ सीख लेती तो आज आपकी भी शादी हो जाती। मेरी आज शादी हो गई होती ना तो तुम तीन यतीम फुप्पियों और मामुओं के दर पे दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे होते। जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं उनके रिश्तेदार रिश्तेदारी भूल जाते हैं सिवाय हक मारने के। आई एम सॉरी आपी, मेरे बात का वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? हमेशा इस तरह के ताने देते हो। मैं तो बादी हो गई, बस ताने देने याद रहते हैं तुम्हें। मेरी कुर्बानी किसी को नहीं याद रहती। छोटी सी सोती हुई सजीला मेरी गोद में रखकर अम्मी अस्पताल तुम्हें लेने के लिए गई थी। तुम इस दुनिया में आ गई लेकिन माँ वापस घर नहीं आई। बैठे बैठे मैं तीन बच्चों की माँ बन गई। आप भी खैर आपी बस भी करें, क्या वही रोना रोज स्टार्ट कर देती हैं। पता है मुझे एक बात का, बात करके आपसे गलती हो गई। वैसे मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि अगर आपकी शादी हो जाती तो आज आपकी अपनी फैमिली होती। क्या तुम तीन मेरे फैमिली नहीं हो? तुम तीनों को मैंने पाला है, पालने वाली भी माँ होती है। कोई और होता ना तो आराम से शादी कर लेता, मैंने तो तुम लोगों के लिए अपनी मंगनी भी तोड़ दी। तो अभी क्या हो जाता, अगर आपकी शादी हो जाती तो हम भी आपके साथ रह लेते। तुम लोग भी मेरे साथ रह लेते। कोई भी पराए बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो है ना तुम्हारी फेवरेट सजीला, उसने वही किया जो जो वो चाहती थी अपनी खुशी के लिए। 18 साल की नहीं हुई थी, शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे उसने। मुझे भी ये कर लेना चाहिए था, फिर तुम्हें पता चलता यहाँ इस तरह से नहीं बैठकर अपना सोलह सिंगार कर रही होती।